आशिक की जाती है। गाड़ी और तेज भगाइए ना, नहीं तो अपने ही शादी में मैं लेट हो जाऊंगी। अरे चुप कर, अभी तो शादी के लिए नानुकुर कर रही थी और अभी सबर नहीं होता। हमारी बेटी पूरी तरह माँ पे गई है। ए जी, आप तो चुप ही करो। अरे ये तो मैं हूँ जिसकी वजह से इज्जत बची हुई है, वरना कब की नाक कट गई होती। ओए, गाड़ी का पहिया घूम रहा है, लास्ट हो जाएगा। नहीं नहीं देता है क्या? क्या हुआ? क्या हो गया जी? निशा, अरे ओ निशा! सर, पहिया क्या सच में घूम रहा था? बेवकूफी बंद कर। अबे मोटी बुद्धि, तेरे चक्कर में मेरी बेटी भाग गई। अरे इसमें क्या चिल्ला रहे हो, और सर में चढ़ा लो, तुम्हारी वजह से उसके पर निकल आए हैं, उड़ गई ना। अब शादी के मंडप में मुझे बिठा देना। ये ले, संभाल अपनी अमानत। बट यार, पंडित का कुछ पता चला? पंडित? वो साला तो कब का निकल चुका है, मगर पहुंचा नहीं है यार। हाँ तो जाना चाहिए था। आराम से, आराम से। अरे कहाँ ले आए तुम लोग मुझे? अरे पंडित पकड़, छोड़ो, भाग रहा है इसको, पकड़ पकड़। जैकी चल, क्या कर रहे हो तुम लोग? बिना विलंब के जल्दी से शादी कराओ। मैं शादी वादी नहीं कराता यार, मैं मैयत का पंडित हूँ मैं। अबे पंडित, अरे तो मैयत वाले पढ़वा दो यार, क्या फर्क पड़ता है मैयत वाले? वर वधु को लेकर आओ। ये वर है और ये वधु है। हवन कुंड कहाँ है? हवन कुंड, हवन कुंड। सॉरी भगवान। अबे तेरी तो हवन कुंड तैयार। चलो चलो फटाफट। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रवाह निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम। आर्यन, तू अपना सामान अपने कमरे में नहीं रख सकता? कहीं जूते पड़े हैं, ये देख। कहीं शर्ट पड़ी है। और ये क्या दिख रहा है? दिखा, तू बिल्कुल अपने पापा पे गया है। अपना घर जलाकर सारी दुनिया को रोशन करो। तुम फिर शुरू हो गई यार। वो भी बस यही सोचते थे, अपने और अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा। पूरी जिंदगी दुनिया के लिए ही करते रहे। उसकी हेल्प करो, उसको पैसे दो, और तू भी प्यार करने वालों की शादियां करवाता फिर। अरे अपनी कब करेगा? मैंने प्यार करने वालों की शादी नहीं करवाई। तो मैंने एक दोस्त की हेल्प की है। फूटी किस्मत उसकी, बेचारा प्यार कर बैठा। बोल रहा था कि अगर निशा से शादी नहीं हुई तो जान दे देगा बस। और मैं एक बार पहले बोल चुका हूँ आपको, ये शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, प्लीज। क्यों, शादी करने में क्या खराबी है? माँ, खराबी कुछ नहीं है, मुझे नहीं करनी बस। मतलब तू लाइफ में जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता? ये जिम्मेदारी नहीं तो क्या है? ये देखो, तरुण की निशा से शादी करवाई, शर्मा जी की पेंशन, जूही इमरान का पैचअप करवाना है, ये भी तो जिम्मेदारी है। उफ। और वैसे भी माँ, जिंदगी में कुछ और भी तो करना चाहिए डिफरेंट। नहीं शर्मा जी, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बाय बाय। शर्मा जी का फोन था। अच्छा, उनका पेंशन काम हो गया ना, थैंक यू बोल रहे थे। ओ। पैसे दिया? अबे इसको क्या पैसे देने, सुधर जा। दीदी दीदी, यही वो लड़का जो निशा दीदी को लेकर भागा था। कितना पैसे हो तेरा? ओके,
उधार उधार मत दिया कर इन लोगों को। तुमने लड़कियों को मजाक समझ के रखा है, जैसे चाहोगे वैसे मनमानी करोगे, राइट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशा को जबरदस्ती ले जाने की? मेरा बस चले ना, तुम्हें जान से मार डालू, बदतमीज आवारा कहीं का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज आवारा कहीं का। अबे तूने कुछ बोला क्यों नहीं? कौन थी वो? मेरा बस चले ना, बदतमीज आवारा। कौन है तू? है कौन तू? अबे तेरी शक्ल तक मुझसे मैच नहीं हो रही है। बस साला एक लड़की के चक्कर में पागल हो गया है। संभाल अपने आप को, कैसे गधों की तरह खड़ा है। बता दे उस लड़की को कि आर्यन क्या चीज है। बदला ले उससे अपनी इंसल्ट का, समझ रहा है ना तू? बदला ले उससे अपनी इंसल्ट का। आर्यन मेरे दोस्त, तू कभी अपने अंदर झांक के देख। पगले, प्यार हो गया तुझे प्यार, और प्यार में दिमाग से नहीं दिल से सोचा जाता है। अरे इश्क में तो लोग अपनी जात को फना कर देते हैं, फिर क्या अच्छा क्या बुरा, क्या तेरा क्या मेरा, क्या इज्जत क्या सिलत, क्या सच में मुझे प्यार हो गया है? हाँ यही प्यार है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। छोटू जी भैया कैसा है? ठीक है भैया जी। पांच चाय बना जरा। अभी बनाता हूँ। भैया जी आप अकेले आए और पांच चाय? अरे आजकल सवाल बहुत पूछने लगा है तू। पांच चाय किसके लिए भैया जी? अरे फोकट लोग आ जाएंगे, तू टेंशन क्यों ले रहा है, बना। ठीक है भैया जी। कन्हैया जी प्रणाम, कैसा है तू? बढ़िया जी बढ़िया। कन्हैया यार बहुत मूड खराब है, मस्त से एकदम मसाज कर दे यार। भैया जी हम आपकी ऐसी मसाज करेंगे ना कि लोग देखते रह जाएंगे। हाँ कर दे कर दे यार, वैसे भी लोगों ने देखना बंद कर दिया। कोई नहीं भैया जी, एक बार मसाज तो करवाइए।
फिर देखिए आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ये कौन सा क्रीम? कन्हैया। भैया जी, आपका कन्हैया किसी से कम नहीं है। चालू रख। क्या कन्हैया, रगड़ रगड़ के मसाज करियो, कहीं कोई उंगली का निशान न रह जाए भैया के गाल पे। अबे निशान गाल पे नहीं, दिल पे लगे। तुम्हारी अबे साला। अरे अब बोलो। अरे सुन, क्या बकवास कर रहे थे? सुन सुन सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया है। क्या बात कर रहा है? अबे सच्ची, सॉलिड वाला प्यार। यार पंडित, तेरी वाले ने भी गाल पे थप्पड़ मारा था क्या? मेरे को तो उसकी माँ ने मारा था। और साला मेरे को उसी के बाप ने। पर कुछ भी हो यार, तू है बहुत लक्की, जो पहली मुलाकात में भाभी ने प्यार की निशानी तेरे गाल पे छाप दी। चल इसी खुशी में चाय पीते हैं। ए छोटू, चाय दे जरा। आया। कुछ खाएगा क्या? बस दिन भर खाने का ही सोचेगा। प्लीज मुझे बचाइए, एक बुलेट वाला काफी देर से मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मुझे बचाइए सर। भाई अपना चेहरा तो दिखा दे, मुझे भी तो पता चले कि कोई तेरा पीछा कर भी सकता है कि ना। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अरे गुड़िया रानी नाराज हो गई। भाई ये तो हमारी आदत है, हम ऐसे ही लोगों की बेइज्जती कर करके सच का पता लगा लेते हैं। हाँ समझी गुड़िया रानी। अरे बाप रे, तो कोई और है? मैं कोई और समझ के आपका पीछा कर रहा था गलती से, माफ कर दो बहन जी। सॉरी। मैं बहन जी दिख रही हूँ तुझे? ओहो, तो समाज सेवी साहब आप हैं? आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। भाई आपने कब से लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया है? इंस्पेक्टर साहब आप मुझे गलत समझ रहे हो एक्चुअली। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये लड़का हाईवे से मेरा पीछा कर रहा था, पुलिस को देख के बहन जी कह रहा है। इस टाइप के लड़के ना ऐसे ही होते हैं, इनके मुंह लगना मतलब कीचड़ में पत्थर मारना। चलो ऑटो, रास्ता दो। अरे, नाम तो बताती जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं वो लड़की समझ के बहन जी का पीछा कर रहा था। अरे ओ बहन के भाई लैला के मजनू, हैं? तुझे घर जाना है या सलाखों के पीछे? और सुन बे आड़ू की जड़, साहब से अदब से पिसाया कर, न तो पुलिसिया फांस में ऐसे फांसेंगे कि यू लव यू लव यू करने वालों के ब्याह तो क्या अपनों ब्याह करने लायक भी ना रहेगा। अभी कुछ बोल दीजिए,
मुझे क्या कहना है? नहीं 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 बोलिए, अभी बोलिए। मुझे तो चलान करना है। देख लो जनाब, कितने का चलान काटूं? क्या चलान वलान, में अपना भी टाइम खराब, मेरा भी टाइम खराब। ये पकड़ो साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, रख लो। चाबी तो दे दो भाई। कुछ बात तो है तुझ में जो तेरी बेइज्जती किए बगैर सच का पता नहीं लगाया जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, आर्यन का कोई तोड़ नहीं है, और अगर आर्यन कुछ तोड़ दे तो उसका जोड़ नहीं है। कड़क है भाई लौंडा। भाई लौंडे में दम तो है। हाँ। सही कह रहे हो साहब, बात तो है। अबे आर्यन कहाँ है बे? अबे मुझे नहीं पता कहाँ है वो। किसका फोन है? तू क्यों उठा रहा साले मेरा फोन? हाँ बोल। हाँ पंडित। अबे जेकी बोल रहा हूँ। अबे घनचक्कर कहाँ हो तुम दोनों? अबे यही है, ढाबे पे बैठे हैं, बोलना। तुम्हारी भाभी जो है वो गाजियाबाद वाले हाईवे पे जा रही है। क्या बात कर, फटाफट उसका पीछे करो, मुझे सब कुछ पता करना है। नाम, कहाँ रहती है, सारी की सारी डिटेल चाहिए, समझा? अबे ये तो निशा एक मिनट में बता देगी। निशा क्या हुआ? अरे नहीं यार, निशा से पूछना अच्छा नहीं। चल तू फिकर मत कर, तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। ऐसे भी हम हाईवे से 2 मिनट दूर है। तू बोल तो यहीं धरना दे देते हैं। चल मैं भी उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। तुम लोग निकलो यहाँ से। हाँ तू बुलेट को रेस दे हेलीकॉप्टर की तरह, हम भी पीछे ही आ रहे हैं। और आज तो साला भाभी का पता करके। चल बाय। निशा को फोन कर और भाभी का पूरा डिटेल ले। चल चल जल्दी चल। अरे यार अब तक तो हाईवे क्रॉस भी कर लिया होगा और इन दोनों का तो पता नहीं। अबे यही भाभी के स्कूल के बाहर खड़े हैं हम दोनों। स्कूल? पारस पब्लिक स्कूल नाम है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अबे हाईवे क्रॉस करके मार्केट की तरफ आ और वहीं रोजा जलालपुर पे आ जा। चलो ठीक है, 5-6 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ, तुम तब तक अपनी जासूसी चालू रखो, ठीक है? अबे टेंशन मत ले, आज तो तेरे प्यार से मिला के ही रहेंगे हम। ओके ओके बाय। कहाँ पे है बच्चों? मैडम जो पढ़ाएगी ना, मन लगा कर पढ़ना। बहुत अच्छी मैडम है यार। अबे रुक, स्कूल जाओ बच्चों। अरे भाई साहब। हाँ जी। ये कैसा स्कूल है भाई साहब? बहुत बढ़िया स्कूल है, श्रुति मैडम का स्कूल है। हम गरीबों को पढ़ाने का यही तो एक सहारा है। श्रुति भाभी? हाँ भाभी जी पढ़ाती हैं। अरे ये भी अपने गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता है इसलिए पूछ रहा है। साले भाई साहब, गरीब भाई साहब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। चलना तू पढ़ाना अपने बच्चों को फिर उधर। अरे ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, आप जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आप पूछता है कभी। अबे चल 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 यहाँ से, बदतमीज साला। पारस पब्लिक, अबे बहुत ज्यादा चढ़ रहा है तू। हाँ भाई कुछ पता चला? अबे हाँ यार, भाभी तो बिल्कुल अपने जैसी सोशल वर्कर निकली। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, अपन जैसे लोगों की हेल्प करते ना वैसे ही भाभी गरीब बच्चों को पढ़ाती है। अरे वाह सुपर। अबे नाम क्या है? श्रुति। श्रुति? अबे क्यों नाम पसंद नहीं आया क्या? अच्छा यार अंदर चले भाभी के पास। क्या हुआ, भाभी की नरम नरम उंगलियां याद आ गई क्या? सालो हमेशा कुतियाबे की बातें करते हो। अबे ऐसे अंदर चले जाएंगे क्या? मिलने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग? प्लान? ऐसे नहीं चले जाएंगे। रुक जा मुझे सोचने दे। बेटा इधर आओ, इधर आप अंदर जा रहे हो, पढ़ते हो आप अंदर? हाँ। आपके पास पेन है? हाँ। और पेपर? हाँ है। दो। अच्छा इसमें कहाँ है बेटा? पेपर तो है नहीं। हाँ मिला मिला, एक मिनट। ये
ये पेपर अंदर श्रुति मैडम है ना, श्रुति मैडम को जाके देना और बोलना बाहर भैया वेट कर रहे हैं, उन्होंने दिया। ठीक है, ठीक है भैया। हे हे, एक मिनट एक मिनट, हो गया काम। एक्सक्यूज मी मैम, बाहर एक भैया खड़े हैं, उन्होंने आपको ये देने के लिए बोला है। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज प्लीज। ठीक है, क्लासरूम में जाओ। ओके मैम। अबे भाभी भाभी भाभी, अबे आ गई, अबे आ गई, आ गई भाभी, आ गई। क्या है ये सब, तुम तीनों के पास कुछ काम नहीं है क्या? दिन भर लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो। और तुमने तो हद कर दी, निशा समझ के रखे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब लिखने को? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो हेलो श्रुति, अरे तू इतना हंस क्यों रही है? अरे कुछ नहीं, वो आर्यन आया था। हाँ, उसके दोस्तों का फोन भी आया था मेरे पास। अच्छा, इसीलिए वो मेरे पीछा करके यहाँ तक आ गया। तू उसके बारे में पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती? आर्यन बहुत अच्छा लड़का है। बिल्कुल नहीं, लड़कों को भगाने वाला लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तू गलत सोच रही है, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको उनकी सच्ची मोहब्बत मिल पाती है। जब तुझे प्यार होगा ना, तब समझ में आएगा। इस टॉपिक पे अब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ उस पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। इसीलिए कह रही हूँ कि आर्यन तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। यार मुझे बहुत काम है, फोन रखूँ? हाँ, मैं भी देखती हूँ तू कब तक प्यार से भागती है। तेरे होने का एहसास करूं, क्यों याद करूं, क्यों याद करूं? मैं तुझसे नाराज हूं, आजकल तू मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगा है। माँ, आपकी और पापा की भी लव मैरिज हुई थी ना? हाँ। तो प्रपोज किसने किया था, पहले आपने या पापा ने? बताओ ना। जब भी तेरे पापा मेरे सामने पढ़ते थे ना, उनकी तो बोलती ही बंद हो जाती थी। तो आपने उन्हें आई लव यू बोला था? नहीं, अरे मैं तो उनकी आई लव यू का इंतजार कर रही थी। एक बात बोलूं, भाई के दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है। अबे कितनी चाय पिएगा? अबे एक ही तो मंगाई है। छोटू इधर आ जरा। जी। ये क्या लिखा है, पढ़ के बता। भैया जी, हमको पढ़ना लिखना नहीं आता। वो ही, तुझे पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ेगा? पढ़ाई पढ़ाई करके हमें बेरोजगार नहीं होना है भैया जी। अबे पढ़ाई करके बेरोजगार नहीं, बड़े आदमी बनते हैं। बड़ा आदमी पैसा और रुपया कमा के बड़ा जाता है। अबे रुपया पैसा कमाएगा कैसे, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई नहीं, चाय जरूरी है भैया जी। देखा नहीं मोदी साहब को, चाय बेच के कहां से कहां पहुंच गए। की बात पे आता हूं, प्यार का मामला है, समझ लो तेरे भाई की लाइफ का सवाल है। सिर्फ दो दिन के लिए एडमिशन ले ले यार। ₹300 रोज दूंगा। 300? हाँ हाँ, ये तो ठीक रहेगा भैया जी। मेरे शेयर डन।
अरे छोटू तुझे याद है ना अंदर क्या बोल रहे? हाँ भैया जी याद है। बोल के बता। नमस्ते भाभी जी। अबे सॉरी मरवाएगा। भाभी नहीं मैडम, अभी मैडम जी ठीक है। हाँ, भाभी भी बताएगी बाद में बताएगी। ठीक है भैया जी। इसको जल्दी कंप्लीट करना है। कौन पहले करेगा? मैं। बदमाशी नहीं क्या है? नमस्ते मैडम जी, मुझे भी भर्ती कर लो ना। क्या नाम है तुम्हारा? जी किशन। तुम्हारे साथ कोई आया है? हाँ, आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मैडम आप जो कर रही हो ना कोई नहीं कर सकता, कसम से बता रहा हूँ। ये जो गरीब बच्चों के लिए आप इतना सब कुछ कर रही हो, मतलब मैं तो कहता हूँ कि अगर आप ना होती तो इन बच्चों का कौन होता? छोटू देखो आंखों में, देखो उसकी, बेचारे के दिन ने रात एक ही सपना रहता, खूब पढ़ाई लिखाई करके अब बड़ा आदमी बन जाओ। इसलिए मैंने सोचा कि आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हो तो मैं भी थोड़ा सा तो पुण्य कमा लूं। इसके एडमिशन के लिए आ गया मैं, अब एडमिशन कर दो प्लीज। ठीक है एडमिशन कर लेती हूँ, पर कल से तुम्हें रोज स्कूल आना पड़ेगा। रोज? रोज मतलब जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए पागल। अब पहली बार आया ना स्कूल तो उसे पता नहीं है। चले चलो क्लासरूम में। सुनिए वो एक्चुअली मुझे कुछ कहना था आपसे, उस दिन बोल नहीं पाई, निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आई एम सो सॉरी। फ्रेंड्स या आज हाथ मिले कल दिल भी मिलेंगे। तुमने कुछ कहा? तुमने कुछ सुना? नहीं। Thank you.
पेपर लेगा। सुनीता छोले भटूरे, तुम्हें पता है यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट छोले भटूरे मिलता है, खाओगी तो खाती रह जाओगी। शिफ्ट ट्रांसपोर्ट यूपी से लेके बिहार तक और अमेरिका से लंदन तक कुछ भी भेज सकते, कितना अच्छा है ना। आओ उधर मत देखो ना आप, धूप धूप तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। कुछ भी कन्हैया, कन्हैया बेस्ट शेप, मेरा मतलब मसाज करता है। मसाज करवाना है? हाँ आर्यन कुछ भी। कन्हैया श्रुति, श्रुति आओ आओ, ये मेरे दोस्त है जैकी पंडित, दोनों एक नंबर के नालायक है। आओ आओ एक मिनट बैठो। थैंक यू। ये छोटू। नमस्ते मैडम जी। अरे किशन तू? अब छोड़ो, दो पानी रुक के मलाई ठुक के गर्म गर्म बना दे। जी भैया जी। तुम्हें पता है क्या, छोटू जो है ना इतनी अच्छी चाय बनाता है, इतनी अच्छी चाय बनाता है कि होठ से होठ चिपक जाते हैं। अब चीनी बहुत डालता है ना इसीलिए। छोटू चीनी कम डालियो। ये लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? आसन कर रहे आसन, बाबा जी ने बोला ना इसलिए। हाँ हाँ खुश तो मैं इसलिए हूँ कि कम से कम मेरे बेटे को प्यार तो हुआ, बेशक थप्पड़ खाने के बाद ही सही। तू एक काम कर, कोई बहाना बनाकर श्रुति को किसी दिन घर ले आ, ठीक है? श्रुति ये तेरा ससुराल है। ससुराल? हाँ आर्यन का घर है। और वो आंटी? आंटी नहीं मम्मी, वो आर्यन की माँ है। हे भगवान, निशा तुम भी? अरे माँ आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बोल दिया होता मैं ही चाय बना लाती। नहीं बेटा, श्रुति पहली बार आई है तो इस मामले में मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। श्रुति बेटा जी, मैं काफी अरसे से सोच रही हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर आर्यन की शादी करवा दूँ, क्यों निशा बेटा? हाँ माँ, मैं तो अब यही सोच रही थी कि घर में बहू आ जाए, घर की जिम्मेदारियाँ संभाल ले और मैं घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। माँ मैं अभी चलती हूँ, तरुण घर पहुँचने वाले हैं, मैं चलती हूँ अभी। ठीक है बेटा। मैं कहाँ जाऊँ? आर्यन तुझे घर छोड़ देगा, तब तक तुम दोनों इंजॉय करो, ठीक है? हाँ। अच्छा माँ चलती हूँ। ओके ठीक है। आर्यन बेटा जी, तुम श्रुति को अपना घर दिखा दो और दिखा मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। चलो कुछ भी बोलते हो, यहाँ क्यों लाए? श्रुति मैं एक सच बोलूं? सच बोलो। अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। श्रुति आई एम सॉरी, श्रुति प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था और मुझसे कुछ
मैं शर्मिंदा हूँ श्रुति, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो श्रुति, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आर्यन, बिना मतलब के तमाशा मत करो। समाया तुझे पाके खुद को है पाया, लगता है यूं जैसे कि तू धूप में हो साया, तू ही मेरी रूह में समाया, तुझे पाके खुद को है पाया, लगता है यूं जैसे कि तू धूप में हो साया, तू ही मेरी रूह में समाया, सांस चले या अब जिस्म छूटे, तू जो रूठे दुनिया ही रूठे, पालूं तुझे तो जिंदा रहूंगा, खोके तुझे मैं कैसे जीऊंगा, तू ही मेरे जीने का सहारा, तुझे पाके ओ मेरे यारा, लगता है यूं जैसे कि तू अक्स है हमारा, तू ही मेरी रूह में समाया, राह में तेरी जन्नत है मेरी, चाहत में तेरी राहत है मेरी, तू दर्द मेरा तू ही दवा है, तू ही पाके खुद को है पाया, लगता है यूं जैसे कि तू धूप में हो साया, तू ही मेरी रूह में समाया, तुझे पाके खुद को है पाया, लगता है यूं जैसे कि तू धूप में हो साया। तू ही मेरी रूह में समाया।
लोहा कितना भी मजबूत हो कटता जरूर है। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब। तू मुझे अच्छी तरह से जानता है, फिर भी तूने जानबूझकर गलती की। ठाकुर साहब मुझे एक मौका दे दीजिए। ठाकुर साहब मौके दूसरे दिया करते हैं, विराट कोई दूसरा मौका नहीं देता। विराट भाई, आप हैं भाटी साहब, दिल्ली की बिल्डर लॉबी का सबसे बड़ा नाम। जैसा सुना था विराट भाई, उससे कहीं बढ़कर आप निकले। अल्फ्रेड साहब, भाटी साहब के बिजनेस पार्टनर। हम बिजनेस को बिजनेस की तरह और दोस्ती को दोस्ती की तरह निभाते हैं। बिजनेस और पैसा मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता भाटी साहब। जो मेरे लिए दोस्त हैं वो दोस्त हैं, और जो दुश्मन वो दुश्मन। चलो बुक निकालो। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। रूप
स्वरूप का आलम था। एक रूप स्वरूप का आलम था हर तारा मा। अपनी जिंदगी के हसीन पल क्या मेरे नाम करोगे? लाइफ टाइम के लिए क्या मेरे साथ टाइम पास करो? हर तारा मथम मथम था, कब दिया जला कब शम्मा बुझी, कब दिया जला कब शम्मा बुझी, कब याद रहा दिल वालों को, कब सांस रुकी कब दिल पे बनी, कब सांस रुकी कब। अरे यार त्यागी, भाटी साहब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जगह तो अच्छी है क्यों अल्फ्रेड? हाँ भैया, काम करने में मजा आएगा, प्रॉफिट भी बड़ा तगड़ा होगा। लेकिन लेकिन क्या भाई? एक प्रॉब्लम है। वो क्या? ये जगह खाली करानी पड़ेगी। वो मेरा काम है। ये बुझने से पहले मुझे वो जगह खाली चाहिए। ए मास्टरनी, ये पढ़ाई लिखाई की दुकान बंद कर यहाँ से, चल। कौन हो तुम लोग? ए बच्चा पार्टी, चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी छुट्टी आज से, स्कूल बंद। हाथ मत लगाओ किताबों को। ए चल। बच्चा चबा जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कोई मास्टर नहीं यहाँ आती विधि पढ़ाने के लिए। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम लोग को पता नहीं स्कूल दादा ठाकुर का है, उन्होंने मुझे दिया है स्कूल चलाने के लिए और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। बड़े फुर्सत से ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया होगा, तब जाकर कहीं ये हंसी चांद जमी पे आया होगा। कुछ तो ढूंढती हैं तुम्हारी आंखें, शायद इसीलिए उस रब ने मुझे तुमसे मिलाया होगा। आया तो था ये जगह खाली करवाने, पर तुम्हें देखकर मूड नहीं है। बच्चों को पढ़ाती हो, आज से अपने दिल के रजिस्टर में एक और नाम लिख लेना। श्रुति, बिना जाने पहचाने कहीं पे भी पढ़ाने चले जाते हो। अरे कम से कम जान तो लो कि वो स्कूल किसका है, किन्नों के बीच में तुम काम कर रही हो। मुझे क्या पता विराट कौन है, मैं तो दादा ठाकुर के कहने पे चला रही थी, वो विराट बीच में आ गया तो मैं क्या करूं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था श्रुति। तुम स्कूल चलाना चाहती हो ना? कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे हम लोग।
अच्छा चलो अब अच्छे बच्चों की तरह मुस्कुरा के दिखाओ प्लीज नो थोड़ा सा प्लीज दैट्स माय गर्ल विराट ये साला है कौन सी बला कुत्ता है साला हरामी दादा ठाकुर का सोतेला भाई दादा ठाकुर ने उसकी माँ को मरते वक्त वचन दिया था कि उसकी परवरिश अच्छे से करूँगा और उन्होंने आज तक शादी नहीं की कुत्ता है साला सुधरेगा नहीं कभी वो ऐसा नाग है जो किसी को भी कभी भी डस सकता है मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई या फिर तुम्हारी संगति ऐसी है अब तक तुम्हारी गलतियों को माफ करता रहा लेकिन तुमने स्कूल पर हाथ उठाया है अबे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जाओ यहां से बचपन में कभी पैंट में मुँहता है मुँहता है ये चुगली की आदत छोड़ दे मिश्रा वरना ऐसी जगह गोली मारूंगा ना कि मुँह उतना भूल जाएगा ये ले चल बे बेटा स्कूल एक मंदिर है उसकी तुम देवी हो यदि तुम्हें साथ छोड़ दोगी तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा ठाकुर साहब आपके छोटे भाई विराट ने जो इसके साथ किया है उसके बाद दोबारा से स्कूल में कदम रखना मेरी बिटिया के लिए संभव नहीं है प्रोफेसर साहब विराट को मैंने बेटे की तरह पाला है रही बात उसकी हरकतों की तो उन्हें सुधारने का भरसक प्रयास करूंगा प्रयास ठाकुर साहब प्रयास तो आप बहुत टाइम से कर रहे हैं ना लेकिन उससे कुछ हुआ है क्या नौजवान मुझे खुशी होगी यदि आप भी श्रुति बिटिया के साथ स्कूल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे ठाकुर साहब ये स्कूल को मैं जरूर चलाऊंगी पंद्रह साल बोतल में बंद रहने के बाद जब ये बाहर निकलती है ना तो सलाह चढ़ती दिमाग पे लेकिन बात दिल की निकलती है दिल तो भाई आप अपना उस मास्टरनी के पास छोड़ा है आर्यन विराट भाई ये आपके दिल के रास्ते का रोड़ा है अब इन बच्चों के लिए दारू मत उतर बच्चा है यार समझ जाएगा और नहीं समझा तो समझा देंगे किससे मिले आप लोगों को अब आपके दरवाजे पे खड़े हैं तो आपसे ही मिलना पड़ेगा ना और भी कोई है घर में तो उसको भी बुला लो क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहता हूं मैं आपकी बेटी को चाहता हूं मेरे प्यारे ससुर जी पर आप टेंशन मत लीजिए उठाऊंगा नहीं शादी करूंगा वो भी पूरे बैंड बाजे के साथ क्यों बे नाचेगा ना और देखिए कितनी अच्छी बात है अभी इस उम्र में आपकी बेटी को कोई छेड़े परेशान करे या उठा ले तो क्या करेंगे आप ठहरे सीधे साधे मास्टर परेशान हो जाएंगे
मैं तो कुछ नहीं करूंगा, पर ये जालिम समाज ये आपको जीने नहीं देगा। इसलिए कहता हूं ज्यादा सोचिए मत, इस प्यारे से बच्चे को अपना दामाद बना लीजिए। ससुर जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरी बेटी से बात कर लेने दीजिए, पूछ लेने दीजिए उससे एक बार। क्या जमाना आ गया है, अब बेटियों से पूछ कर करोगे शादी? कोई नहीं, बाय 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 बाय। आई आई, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो हमारी नजरों के सामने खड़ी। पूछिए क्या पूछना चाहते थे तुम? पापा ये क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं यहाँ क्यों आया हूँ समझाइए ससुर जी, अब तो हम रिश्तेदार बन चुके हैं। बेटी तुम अभी पापा इसे कह दो मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से ही करूंगी। देखो प्लीज मुझे और मेरी बच्ची को मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आर्यन, तो अब हमें बच्चों की भी जान लेनी पड़ेगी। अगर ना करोगे तो उठा के ले जाऊंगा, और अगर हाँ करोगी तो प्यार से दुल्हन बनाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम इस वक्त यहां से चले जाओ प्लीज। तो समझाइए समझाइए। बेटा मैं जानता हूं जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो एक बाप के लिए मुनासिब नहीं है, अगर हो सके तो उस विराट की बात मान लो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। पापा मुझे मरने से डर नहीं लगता है, और अगर मुझे मरना ही है तो उस विराट के हाथ से क्यों ना मैं अपनी जान इसी घर में आपके सामने दे दूं। क्या कर रही हो, पागल हो तुम? मुझे माफ कर दो बेटी, मैं डर गया था, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम आर्यन से शादी करना चाहती हो ना? मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उस कमीने विराट की नजर से बच के रहो। कुछ नहीं होगा पापा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुझ में जले हर सांस में, तेरी रूह में मैं बस गई, तेरी खामोशी
मुझे डस गई पाने की चाह में, ढले ये शाम चले ये जाम जले तन रात में, बैठी हूँ इसी शाम में खामोशियों के जाम में, मेरे इश्क के पैगाम में तेरे जाने के इल्जाम में, तुझे प्यार दूँ या मार दूँ कुछ सांसें उधार दूँ पाने की आस में, ये शाम चले ये जाम चले तन रात में, खोया खोया सा होश है खामोश है जिस्म भी मदहोश है, ये दर्द दिल का दोष है, इस रात में तेरे साथ में जज्बात की बरसात में, मैं खुद को उतार लूं, ढले ये शाम चले ये जाम जले तन रात में, खिले ये जिस्म मिले बस तुझ में जले हर सांस में, तेरे रूह में मैं बस गई तेरी खामोशी मुझे डस गई पाने की चाह में, शाम चले ये जाम चले तन रात में, खेले ये जिस्म मिले बस तुझ में जले हर सांस में। क्या बात है विराट, आजकल तुम मेरे पास नहीं आते, मूड भी बहुत खराब खराब सा रहता है तुम्हारा। मेरे स्टाइल से बोर हो गए हो या मुझसे? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? हाँ मेरी एक बात सुन लो तुम विराट, मुझे औरों की तरह समझने की गलती बिल्कुल मत करना तुम, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं, समझे तुम? विराट भाई, इस रोमानियत के मौसम में निशाना कहीं और लगाना चाहिए, लगा कहीं और रहे। त्यागी, मुझे दो लोगों से मुक्ति चाहिए, एक तो उसके आशिक से और दूसरा इस सरदर्द से। ऐसा है विराट भाई, वो मुझ पे छोड़ दीजिए,
रही बात उसके आशिक की, उसे मैं देख लूंगा। आप बस इसे संभालिए। बोलो देगी, दुश्मनी क्या है तुम्हारी इससे? ओके, काम हो जाएगा। यू हैव प्रॉमिस मी ना कि आज के बाद तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लोगे? ओके, ये आखिरी है, इसके बाद नहीं करूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सत्या, हम लोग शादी कर रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लाइफ का क्या होगा? ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। नहीं, हम आज ही कर रहे हैं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। Come on, shoot him. Shoot! Don't disturb me, okay? Shoot him! Even, don't breathe. You understand? Shoot him! This is not right time. आर्यन, ये पीछे कौन आ रहा है? पता नहीं कौन है। मैं पापा को फोन करती। पापा को नहीं, पंडित को फोन करो। पापा को फोन करती। पंडित को फोन करो जल्दी। हेलो पंडित, मैं दादरी वाले हाईवे के पास हूँ, यहाँ पे एक बंदा मेरा पीछा कर रहा है। उसकी ऐसी की तैसी, जल्दी आओ। मैं जब तक किसी के चेहरे पर मौत का खौफ ना देख लूं, उसकी जान नहीं लेता। बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ, और इतना प्यार करता हूं कि अपने प्यार के लिए किसी की भी जान ले सकता हूं।
और अपनी जान दे भी सकता हूं। हमेशा ले जाते हैं साले। कौन था यार? ये था कौन? पता नहीं यार, शायद कोई दीवाना आशिक था हमारी तरह। तेरा ये चिड़ी मार शूटर तो आशिक मिजाज निकला था। नहीं भाई, प्रोफेशनल शूटर है वो। तो क्या हुआ तेरे इस प्रोफेशनल बम को? टाइम टाइम फिश। कोई नहीं भाई, मैं कोई दूसरा अरेंज कर देता हूं। अब तुम कुछ मत करो, जो भी करना है मैं खुद करूंगा। हे त्यागी, या तो विराट के साथ लौंडियाबाजी कर ले या हमारे साथ धंधा कर ले। एक ही चीज हो सकती है, सारे धंधे की ऐसी की तैसी कर दी विराट ने। ए भाटे, हम दोस्तों के लिए दोस्त हैं और दुश्मनों के लिए दुश्मन। धंधा और बिजनेस तो बात की चीज है, तू देख ले कि तुझे किसके साथ खड़े रहना है। देख रहे हो अल्फ्रेड भाई? कोई बात नहीं भैया, इस त्यागी का कुछ सोचना पड़ेगा। क्या है सब? क्या है ये सब? मंदिर से सीधा पैदल चलता आ रहा। इतने में तो भगवान भी मान गए होंगे। आप तो इंसान ठहरे, कब तक लड़ोगे? इसीलिए कहता हूं ये जिद छोड़ो, प्यार से लो शिवशंकर का नाम और ये लो उनका प्रसाद। उनकी भी यही मर्जी है। विराट, मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। त्यागी, इतनी बदतमीजी ना करो, होने वाले ससुर है मेरे यार। उम्र का असर है, कभी कभी हाइपर हो जाते हैं बेचारे। ये अकड़ ये हाथ संभाल कर रखो, कल श्रुति को आशीर्वाद देने के काम आएंगे। मैं कल श्रुति को लेने आ रहा हूं, चाहे तो पूरी आर्मी बुला लेना, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या हुआ पापा, आप फोन पे इतना घबराए हुए क्यों थे? आर्यन, तुम श्रुति को लेकर इस वक्त कहीं निकल जाओ। विराट आया था अपनी और श्रुति की शादी का कार्ड लेके। तुम जल्दी से श्रुति को लेकर कहीं निकल जाओ। लेकिन इसे सब गड़बड़ हो गया है पापा। इसमें डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मानो मेरी बात। ये इससे डरे हो आप लोग? इससे डरे हो आप लोग? इन कागज के टुकड़ों पे शादियां नहीं होती। आप इसे समझाते क्यों नहीं? विराट गुंडा है, हम ठहरे सीधे साधे लोग, उसका मुकाबला हमारे बस का रोग नहीं है। आर्यन, तू समझता क्यों नहीं है? भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे उसके साथ बंदूक लिए गुंडे रहते हैं। मां, मां कुछ नहीं होगा,
मेरा विश्वास करो। प्यार किया है हमने, और प्यार करने वाले किसी से नहीं डरते। एक बात सुन लो तुम लोग, मैं किसी से डर के कहीं नहीं भागने वाला। विराट विराट विराट, कल विराट के सामने मैं श्रुति से शादी करूंगा, देखता हूं मेरा क्या बिगाड़ लेता है। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? विराट के गुंडे शहर में चारों तरफ फैले हुए हैं, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? जब तक विराट यहां है, तू श्रुति को यहां से लेकर कहीं चला जा। मैं तुम्हें छोड़ के कहां चला जाऊं मैं? नहीं माँ जी, हम दोनों आपको छोड़ के नहीं जा सकते। बेवकूफ मत बनो, हमारा क्या भला बिगाड़ लेगा वो? कह देंगे शादी हो गई श्रुति की। पापा, चल ठीक है, एक मिनट रुक। ये ले, ये रख ले, अभी मेरे पास यही है। मम्मी जी, माँ जी, अभी हम दोनों आप दोनों के बिना कैसे? बेटा समझदारी वाली बातें करो, निकलो यहाँ से, वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है। चलो जा, जा। निकल। त्यागी भाई, वो दोनों भाग गए। कहाँ है वो? रख हरामखोर। भाई भाग गए दोनों। लगता है बुड्ढे को बात समझ में नहीं है। भाई भाई कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो विराट, तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। ये तू समझाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। क्यों जान से हाथ धोना चाहती है? हैं? तेरे जैसी कितनी आई और कितनी गई। चल हट। विराट, अब मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। बहन जी, मुझे आर्यन और श्रुति को लेकर बहुत डर लग रहा है। मेरे प्यारे ससुर जी, कितना प्यार से समझाया आपको, पर आप माने नहीं। आ गए बेटी के इमोशन में। साला टिपिकल मिडिल क्लास। पर इसमें गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। कुछ ज्यादा ही सराफत से पेश आया मैं तुम लोगों के साथ। क्या कर लोगे तुम? जान से मार दोगे मुझे? थोड़ा सा दर्द का एहसास करवाऊंगा। अब तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना आर्यन का ना श्रुति का। विराट, मजा आया? मुझे तुम पे तरस आया।
क्या हुआ हंस? हे अब हमसे मिलने की मन्नतें मांगी जा रही। अरे बात तो सुनते जाओ। तू भी? तेरी तो आज खैर नहीं। जब तुझ जैसे लोग प्यार करने वालों के दुश्मन बन जाएं, तो मुझ जैसे लोगों को उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। तुम लोग जाओ। अरे चलो यस चलो। किस्मत से लोग विलेन बनते हैं, लेकिन सलाई हीरो बनने की खुजली नहीं जाती। क्या बोलता रहता है बेतू? जब तक तू लोगों को डराता नहीं, उन्हें नहीं मारता। डर गया रहता है कि इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। तुम अंदर चुप जाओ। क्यों आर्यन? श्रुति मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम प्लीज इसमें चुप जाओ और जब तक मैं ना बोलूं प्लीज बाहर मत आना। प्लीज मत जाओ, वो लोग तुम्हें मार देंगे। कब तक? कब तक इन लोगों से डर के हम लोग भागते रहे? कभी ना कभी तो मुकाबला करना ही होगा ना। अभी कर लेते हैं प्लीज। कुछ नहीं होगा, अपने प्यार पे भरोसा रखो। Thank you.
छोड़ो, छोड़ दो मुझे। यही हो जगह जहां वो दूसरों की शादियां करवाता है। अब तो यहीं शादी करूंगा। चल बे पुजारी। मंगलेश्वर सर्वार शादी के करने त्रंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंगलम भगवान विष्णु गरुण अध्यक्ष। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। मैं देवदास नहीं हूं, मैं कुछ नहीं छोड़ता। बचपन से जिस चीज पे हाथ रखा है ना उसे हासिल किया है। Thank you.
जिंदगी तूने मुझ पे कैसा सितम किया, सपनों के टुकड़े हो गए आँखों को रुला दिया, आँखों को रुला दिया। ऐ जिंदगी तूने मुझ पे कैसा सितम किया। तुम क्यों यूं चले, ऐ जिंदगी तूने मेरे संग ये क्या किया, सपनों के टुकड़े हो गए, सपनों के टुकड़े हो गए, आँखों को रुला दिया।